वेलकम बैक टू माय चैनल ओझा लाइफस्टाइल। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। सो नीचे शरारा है और ऊपर सूट और साइड में चुन्नी। तो मैं फुल लुक आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। तो आज हम जा रहे हैं खुशी के घर, मेरी सिस्टर के घर। तो उन्होंने लंच में हमें इनवाइट किया था, तो उनके घर हम भी जाएंगे। मासी जाएगी, अंकिता, पापा, मम्मी, मैं, हम उनके घर जाएंगे, वहां पर लंच करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर शाम को हम अठन्नो गेट जाएंगे वहां घूमने के लिए। और वहां हमारी मासी का घर भी है ना अंकिता? तो वहां मासी का घर भी है, वहां शायद जाएं तो जाएं, नहीं तो घूम के हम वापिस आ जाएंगे। और आज अंकिता की मासी भी आई है। हेलो बोलो। हेलो अंकिता दी। हेलो। तो अंकिता की मासी आई है आज घर पे और उनके नानू भी आए हैं। तो फाइनली हम खुशी के घर आ गए हैं और उनका ये बेटा है क्यूट सा। हेलो बोलो। शर्मा रहा है, कह रहा है मैं नहीं बोल पाऊंगा। एवरी हेलो कर दो, टाटा कर दो, चलो चल टाटा कर दो। तो इसको शर्म आ रही है, बहुत बोलता है ये, बहुत स्मार्ट लड़का है ये, बहुत ज्यादा सब कुछ पता है इसको। पबजी बोलो, गेम बोलो, फोन चलाना बोलो, हर चीज इसको आता है, हर चीज पता है। अभी शर्मा रहा है, अभी खुलेगा उसके बाद ये बात करेगा। तो इनके घर के पीछे ही पुकुर है, झील है इनकी खुद पर्सनल। तो आप देख सकते हो गार्डन और ये इनका जैसे सामान वामान रखने के लिए घर पीछे। और ये मुझे घुमाने लाया अंकित। हेलो बोलो। लास्ट में अंकिता और मैंने पिया, क्योंकि फोटोशूट कर रहे थे, थोड़ा भी हमारा रह रहा है फोटोशूट। और उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर घूमने के लिए हम बाहर जाएंगे। तो माँ पापा खावर खाचे, मम्मी पापा खाना खा रहे हैं। तो जीजा जी ने आज इतना यम्मी खाना बनाया है, देखो सैलेड है, आलू भाजा, बैगन भाजा, करेला, दाल, राइस, पटल भाजा, पटल भाजा और चिकन ना, खाओ टेस्टी बना है। देसी मुर्गी कोशा और सैलेड वगैरह तो मैंने दिखाई दिया था पहले, और देसी मुर्गी ग्रेवी वाली बहुत यम्मी लग रहा है, डिलीशियस लग रहा है खाने में, बहुत ज्यादा डिलीशियस, यम्मी और बहुत अच्छा लग रहा है। पेड़े ये मम्मी बंगाली में क्या बोलते हैं? शोबेदा। ए शोबेदा और चिकुर गाछ पेड़। तो ये देखो लीची का पेड़ है, ये लीची का फूल आ चुका है, ये घर के अंदर उगे हुए सारे प्लांट्स। ये देखो गर्ड गोभी, ये देखो कितना अच्छा है, घर के अंदर घर के बाहर उगाया हुआ है गर्ड गोभी। जावा फूल, ये आम का पेड़ है, जब आम आता है तो इसी छोटे पेड़ में आम भर जाता है। नारियल का पेड़, ये नींबू का पेड़ है, आप देख सकते हो अब इसमें नींबू नहीं है, नींबू के फूल आ रहे हैं। ये जो आपको हरे हरे छोटे छोटे प्लांट दिख रही है, साग का पेड़ है, और ये फ्लावर गेंदे का फूल, ये ड्रम स्टिक की जो डाटा है पेड़, और इसको डाटा कहते हैं, इसको खाते हैं दाल में डाल के, सब्जी में डाल के। ये किसी चीज का प्लांट है, मुझे नहीं पता किस चीज का, इसके अंदर से ना बीज में से कुछ निकलता है, अब मुझे इतना पता नहीं है। तो यहाँ पर भिंडी की खेती कर रखी है। केले का पेड़, छोटे छोटे केले अभी उसमें उगे हुए हैं। खजूर का पेड़ है, ये ताल का पेड़ है, यहाँ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो हम आगे की तरफ जाते हुए सुमित हमें लेके जा रहा है। सुमित हेलो बोलो। हेलो। तो कोथाय नहीं जाचीश, एदे बोल। अच्छा तो ये इसका खेत है, तो ये लेके जा रहा है अपने खेत पे, हमें घुमा रहा है। ये छोटा मेरा भतीजा मुझे यहाँ वहाँ घुमा रहा है। भतीजा ये भांजा क्या लगेगा? जीजा जी का बेटा है, शायद भांजा लगेगा ये भतीजा। सो हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, हमने लंच कर लिया, बहुत यम्मी फूड था और डिलीशियस था, खा के बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे घुमाने के लिए भी लेके गया था खेत वगैरह में, और आज मैंने बहुत सारी रील वीडियोस भी बनाई, फोटोशूट करवाया, अंकिता ने मेरी पिक्चर क्लिक करी। अंकिता थोड़ी थक गई है, छोटी है 11 साल की तो थक तो जाएगी, और ये भी छोटा, ये बड़ा तेज है। तो हम अभी अठन्नो गेट जा रहे हैं, वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, आपको बताऊंगी। ताला महादेव का शिव जी का मंदिर है इधर हमारे। अच्छा उसके बाद हम लोग भागीरथी जो लोधियाना मेन वहाँ से जाएंगे, उसके बाद बिलाड़ी है,
वहाँ एक मंदिर है। अच्छा, वहाँ हम लोग जाएंगे दीघा का तरफ। अच्छा, यहाँ झाऊ का पेड़ है, अटनो गेट है। हम जाते थे, दो रास्ता है वहाँ से, यहाँ से कभी कभी उस तरफ से मन सतला से पढ़ने जाते थे बागाटा स्कूल। तब इसी रास्ते से हम लोग घूमने जा रहे जयनगर, वहाँ से बेलाड़ी आगे जाते थे, यहाँ से बागंडा हाई स्कूल जब मम्मी का था, मम्मी यहीं से रोज अपनी सहेलियों के साथ जाती थी, तो उस रास्ते में जा रहे हैं। तो ये मेरे जीजा जी हैं, तो ये आज हमें घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, कल कलकत्ता शहर लेके जाएंगे। এদিকতে কোথায় যাই আমরা? এদিকতে ওই পার? এখান থেকে ওই তো কলকাতা যাচ্ছে, কলকাতা শহরে যাচ্ছে। আচ্ছা, ছাইটা না এতে করে হয়ে বাংলাদেশ চলে যাচ্ছে। কত বড় বোট এই দেখো, সিএসসি ছাই বাংলাদেশ যায়। আচ্ছা, বাংলাদেশ যা রিয়ে বড় বোট, এখান থেকে কলকাতা শহর হয়ে বাংলাদেশ থেকে আসছে। আচ্ছা, কি দেখতে যাচ্ছি? লঞ্চ না, এই তো ঝাউবন। আচ্ছা, ঝাউবনে দিয়ে যাচ্ছে আমরা। तो लॉन्च, यहाँ पर बोट को लॉन्च बोलते हैं, वाइट कलर की होती है बोट। तो हम देखने जा रहे हैं, मम्मी पापा पीछे हैं। नाव है, काफी नाव, आगे जाए देखा वो, तो आगे जाके हम आपको दिखाते हैं। अलग से ना, ठंडा ठंडा हवा। मम्मी আঙ্কিতা তুই যা, গিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, এইদিকে সোজা কলকাতায় যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর এইদিকে হচ্ছে মানে দীঘা। আচ্ছা, মানে দীঘা মানে যেটা এ বলা হয় হলদিয়া, এই সাইডে নদীতে যাচ্ছে। আচ্ছা, আঠান্ন গেট, ঠিক আছে। এখানে আর বাংলাদেশ কে লিয়ে ভি ইয়াহ সে বোট জাতি হ্যায় ডাইরেক্টলি। ও আবি জা রহে হ্যায় কলকাতা, জা রহে হ্যায় কলকাতা সে বাপাস। ও দেখো কলকাতে সে বো লম্বি সি বোট বাংলাদেশ, ছাই লেকে বাপাস আ যায়, সিএসসি কা ছাই লেকে। ब्यूटीफुल नजारा है, हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया और बहुत अच्छा ये नदी का किनारा मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखो, और जब यहाँ पर बाहर से लोग घूमने आते हैं तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, आसपास के लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है, और यहाँ से दूर दूर बांग्लादेश बांग्लादेश से चीज़ें लेके आते हैं, लेके जाते हैं। तो ये सोर से आने जाने का, तो हमने ये देखा, बहुत अच्छा लगा। राम कृष्णा मंदिर, काली माता मंदिर जानोगी? तो भाग्यरथी नदी में हम आए हैं नीचे की तरफ, तो जीजा जी हमें यहाँ लेके आए हैं घुमाने के लिए। तो यहाँ का पानी देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा साफ है, और हम यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप ये देखो, देखो बहुत बड़ी नदी है ये, भाग्यरथी नदी। बहुत ज्यादा एंजॉय किया, अब हम अठन्नो गेट के लिए निकल रहे हैं। तो मेरे पीछे नदी देखिए कितनी सुंदर है, भाग्यरथी आ रही है, बोट नौका जैसे बंगाली में कहते हैं। सो हमने बहुत एंजॉय किया, ये अठन्नो गेट है आप देख सकते हो। तो जीजा जी ने बोला यहाँ रुक के देखो आप लोग, ये देखो नजारा, ये पूरा डिटेल की अठन्नो गेट की। अच्छा, तो इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ये, बहुत ज्यादा कोलकाता हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो देखो कितना ब्यूटीफुल, तो ये जीजू हैं, आज हमें मॉर्निंग से घुमा रहे हैं। और तो फाइनली हम अठन्नो गेट आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ से देखो। तो अठन्नो गेट का मतलब है कि यहाँ पर 58 गेट है, आप ये देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 गिन सकते हो। तो जब यहाँ पर पानी भर जाता है तो यहाँ से पानी पास होता है, आता है, ठीक है। और एक कौनटा नदी, नदी नाम ये दामोदर, ये दामोदर नदी है ये वाला,
दामोदर नदी यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये 58 गेट कोलकाता हावड़ा डिस्ट्रिक्ट एटा पड़े है दिखे, मतलब यहाँ पर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया है पूरा प्रॉपर। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में तो आपको पता लग जाएगा। और इसकी हिस्ट्री देखनी है तो आप गूगल पे सर्च करके 58 गेट का मीनिंग, ये कब बना क्या आप देख सकते हो। तो हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप भी देखिए, पीछे ना गिर रहा हूँ। और देखो कितना ब्यूटीफुल है ये घाट है, दामोदर घाट। तो हमने बहुत इंजॉय किया, अब हम कुछ खाएंगे पियेंगे इंजॉय करेंगे और आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे मैं दिखाती रहूंगी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। ब्लू वाइट वो लॉन्च बोलते हैं यहाँ पे बोट को, आप देख सकते हो। तो हम उस पार थे, अब इस पार आ चुके हैं। नजारा देखो, ये मछली पकड़ के लेके जा रहे हैं शेषमाज। बहुत ठंडी हवा आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। कैमरे में कैच नहीं हो पा रहा लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तब ब्यूटीफुल लग रहा है, हम नीचे की तरफ है, बिल्कुल ऊपर से नीचे आ गए। आप ऊपर देख सकते हो वहाँ ऊपर लोग खा रहे हैं कुछ, हम नीचे आए हैं। और कभी भी नीचे आओ तो केयरफुली आओ, गिरने का डर है। नहीं सीढ़ी तो है। लॉन्च दिख रहा है आपको? हाँ ये पीछे लॉन्च है, यहाँ के लोग बोलते हैं। नदी देखो, आज का डे इतना अच्छा गया, इतना एंजॉय किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम पुचका खाएंगे, पुचका पापा मम्मी जीजू अंकिता बाबू सुमित, हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पुचका लॉन्च में बैठ के लोग घूम रहे हैं देख सकते हो, और ये मछली पकड़ के लेके आ रहे हैं। और उस पार हम खड़े थे आपको याद हो तो, इस पार आ गए हैं 58 गेट देखते देखते। तो जीजा जी कल घुमाने ले जाएंगे अलग अलग जगह शहर में लेके जाएंगे, कोलकाता सिटी। कल हम एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और अभी हम पुचका खा रहे हैं, अंकिता सुमित बाबू पुचका। नूतन ब्रिज, नया ब्रिज जो था नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाया गया, 6-7 साल हो गया इस ब्रिज को बने हुए। और सबसे पहले नदी ये है, उसके बाद बड़ी बड़ी नदियाँ सब आई हैं। तो यहाँ हम खड़े हैं एंजॉय कर रहे हैं, फिश पकड़ रहे हैं देख सकते हो आप। आपको कैसा लगा कोलकाता शहर कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं कैसी लग रही थी आज कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, बाय। फाइनली हम घर पे आ गए हैं और अभी पुचका लेके आए थे, खुशी मासी सबके लिए पुचका खरीद के लेके आए हैं और कटलेट लेके आए हैं वेजिटेबल। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, देन कुछ खाएंगे पियेंगे फिर घर जाएंगे, या यहाँ रुकेंगे जीजा जी के घर, तो देखते हैं। बाकी तो आपको पता ही लग जाएगा, अगर रुकेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम मासी के घर चले जाएंगे। अभी थोड़ा खाएंगे पियेंगे रेस्ट करने के बाद, फिर हम देखो क्या करते हैं। तो मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे, ठीक है। सो हम जीजा जी के घर में रुक चुके हैं, तो मॉर्निंग में सीधा यहीं से कलकत्ता निकलेंगे घूमने के लिए। तो सुमित कह रहा है मेरे साथ सोएगा, अंकिता कह रही है मेरे साथ सोएंगे, दोनों लड़ रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं और स्टोरी चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं। सो गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट।